ट्री हाउस। और ये अभी हमें वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहाँ पे कितनी सारी हिरन हमारे सामने अगर आपको दिख रही होगी, हिरन ही हिरन चारों तरफ भरमा रहे हिरन की। सुबह सुबह ये ग्रेजिंग कर रही है, काफी सारी है। सुबह का टाइम है, क्या मस्त नज़ारा है। और बिल्कुल ये रोड की साइड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, और बड़ा है एकदम, नहीं फिर फोकस नहीं है, काफी सारी है, एक दो तीन है, बहुत सारी और आगे पूरे में है। इसमें पीको को डियर चाहिए ज्यादा। बहुत सारी है। हाँ, कई सारी है, बहुत सारी उधर भी दिखा, अभी भी दिखा, भी दिखा, वो सब दिखता है सामने वाला। ज़ूम 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 ज़ूम, बहुत सारी डियर है। बारह सिंगा है, सिंह देखिए उसके, उस अगले वाले के सिंह, अगले वाले के, उससे अगले वाले के, इधर उधर उधर दूसरे वाले के, उसके कितने बड़े, हाँ इसके 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 सिंह, जूम कर और जूम कर और जूम कर। डियर तो यहाँ डॉग्स की तरह मिल जाएंगे, है ना, डियर होते हैं भर मार है। टुडे इज अवर डे फॉर टूरिंग ऊटी टूर, आज हमारा चौथा दिन है ऊटी टूर पे। और अभी रास्ते में एक होटल पड़ा है, क्योंकि दोपहर का टाइम में भूख लगी है, खाना खाते हैं, तो एक होटल एक्सप्लोर। अभी मेन हाईवे पे पड़ता है ये, हेरिटेज सॉल्ट रेस का नाम, और इसमें रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, इन लोगों की कैसी क्वालिटी देते हैं खाने में, और खाना खा के फिर हम लोग शुरू करेंगे। और ये भी हम लोग है कावेरी रिवर मैसूर। और ये है श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान का जहाँ पे घर था, मस्जिद बराबर में सामने, और इस साइड में उनका मकबरा था, और सामने आ जाती है फिर कावेरी रिवर। फ्लाईओवर्स, जिसके तीन फ्लाईओवर्स है, एक जो कि पुराने वाला था वो है मेरे लेफ्ट साइड में, और वो देख सकते हो अगर आप, वो सबसे पुराना था जो कि अब आउट ऑफ डेट हो चुका है। और एक मेरे है, ये बेसिकली जाने का है बेंगलोर की साइड में, टूवर्ड्स बेंगलोर। और दूसरा है जो अपोजिट साइड का है, उस पे वो बेसिकली मैसूर जाने के लिए। ये कितनी, एक दो तीन, तीन फ्लाईओवर पैरेलली ऑन मैसूर रोड। अच्छा, एक तो रेलवे ट्रैक है, एक दो फ्लाईओवर, एक आने का एक जाने का, तीन है बेसिकली, तीनों एक साथ पैरेलली। छोटे से छोटा भाई, वो तो बहुत बड़ा है ना वहाँ का, चलो टेस्ट टेम्पल है, हाँ वो छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा है। ये कोई रेस्टोरेंट है? हाँ रेस्टोरेंट ही है कोई।
और गाइस अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर। अभी हम लोग ऊटी से आए, पहले हम लोग गए थे मैसूर और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर। और भी रास्ते में पड़ता है चन्नापटना, और चन्नापटना जाना जाता है अपने टॉयज के लिए। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है टॉयज की, और मैं एक दुकान पे खड़ा हुआ भी टॉयज की दुकान पे। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से भी गुजर रहे तो कुछ अच्छा सा यादगार के लिए ख़रीद लिया जाए, फिर तो पता नहीं कब आना हो इस रूट पर। तो अभी देख रहा हूँ कुछ अच्छा सा टॉय ताकि ऐसे मेमोरी से देखो जब भी तो चन्नापटना की याद आ जाए कि हाँ मैं उस ट्रिप पर गया था, ऊटी ट्रिप पर गया था, और ऊटी ट्रिप से आते हुए मैंने ये टॉयज ख़रीदा था। अंकल मेरे साथ में है, इन्हीं की दुकान है। अब देखता हूँ मुझे क्या अच्छा लगता है, काफ़ी सारे ऑप्शन है तो मैं कन्फ्यूज, सारे के सारे अच्छे टॉयज है। अंकल कुछ अच्छा सा दिखाओ, बढ़िया सा, आँखों में चमक आ जाए, कुछ ऐसा दिखा दो बस। वॉल्स वॉच। तो आपके अपने आउटलेट अंकल? अच्छा ये सर हिलने के लिए। अच्छा फैक्ट्री भी आपकी अपनी अंकल? अच्छा अच्छा 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आप खुद ही बनाते हो? एक बार मैं देखता हूँ अंकल कुछ अच्छा सा मुझे क्या लगता है। अंकल की खुद की फैक्ट्री है और खुद की आउटलेट है, मेन रोड पे ही है मैसूर बेंगलोर हाईवे पे, और प्लेंटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो बच्चों की तो मजा ही मजा है यहाँ पे आने के बाद में, बहुत ऑप्शन है। और अंकल की दुकान भी बहुत बड़ी है। वुडन स्पून, वुडन ज़्यादा आइटम है यहाँ पे, या तो ये हो सकता है कि साउथ में ज़्यादा लकड़ी है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वुडन के जो आइटम्स है वो भी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कोई लेना क्या है मुझे। अच्छा ये भी तो होता है ना, कुछ इन्ने सारे आइटम, इन्ने सारे आइटम। ये लो जी हाथियों की पूरी फौज है यहाँ पे, छोटे से लेकर बड़ा, बेलन बेलन की पूरी बारात है। वुडन आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम, बाहुबली की तलवार सब है। तो गाइस देखता हूँ मुझे क्या समझ में आता है यहाँ से, क्या अच्छा लगता है, फिर वो ही लूँगा। ये लीड टाइप है घर में लगाने के लिए। रियो माजो ने एक ट्रेन का इंजन ख़रीदा है यहाँ से चन्नापटना से। ये बहुत ही पॉपुलर शॉप है यहाँ पे, टॉयज फैक्ट्री नहीं, यहाँ पे सब इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है टॉयज की। यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन है टॉयज में। हाँ ये बहुत अच्छा, चुक 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 चुक। वुडन का भी बहुत अच्छा सामान है, वुडन का ही ज्यादा सामान है यहाँ पे एक्चुअली, और मतलब कॉस्टली नहीं है, अगर बाहर से भी लेंगे तो इतने का ही होगा। मतलब वेलकम टू सिल्क सिटी रामनगर, यहाँ की साड़ीज वगैरह बहुत फेमस है। वॉचिंग नाउ माउंटेन, सुन लीजिए रामनगर। और हम लोग अभी जस्ट आके बैठे हैं ऊटी ट्रिप से, जो कि आज 3 दिन के बाद चौथे दिन ख़त्म हो गया। और ये जो ट्रिप था बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और क्योंकि ऊटी लोकेशन अच्छी है और कन्नूर भी अच्छा है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं। हम लोगों ने वहाँ पे सब विज़िट किया और खूब मस्ती करी। जितने भी प्लेसेस हैं वो सब की वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा ऊटी प्ले लिस्ट में। सो दिस ट्रिप वॉज रियली गुड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। And feel free to post if you have some comment or questions for me in video comment sections. Thanks.